खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा कि वह 29 दिसंबर को केवल वर्चुअल शुभकामनाएं लेंगी और वर्चुअल ही शुभकामनाओं का जवाब देंगे, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लाइव आकर शुभचिंतकों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र नागरिक बूस्टर डोज लगाएं। नरेला विधानसभा में बूस्टर डोज के लिए शिविर लगाए जाएंगे। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण स्थिति में, लेकिन सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जन्मदिन पर आप मुझे कोई उपहार देना चाहते हो क्या? पता कौन कौन देना चाहता है उपहार? देखो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपसे एक उपहार मांग रहा हूँ। इस जन्मदिन को मैं नहीं मना रहा इसलिए क्योंकि चाइना में कोविड बहुत तेजी से आ गया, जापान में बहुत तेजी से आ गया, भगवान ना करे हिंदुस्तान में आए। पर माताओं बहनों भाइयों और साथियों, हमें हिंदुस्तान में यदि कोविड से बचाव करना है तो हमें पूरी तरह से अनुशासन और संयम का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं काका को बधाई दूंगा कि यहाँ सब लोग मास्क पहने हुए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग सब मास्क पहने बिना बात के भीड़ इकट्ठी ना करें। और यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब लोग मास्क लगाकर रखें और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। बूस्टर डोज का कल यहाँ पर मैं कैंप लगवाने वाला हूँ चौराहे पर, जिसको बूस्टर डोज नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, वैक्सीन के पैसे तो नहीं लगे? देखिए, मैंने कल 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा, कोई समारोह आयोजित नहीं होगा क्योंकि अभी तो कोरोना की स्थिति एकदम नियंत्रण में है। पर चौथी लहर बाकी देशों में आई है और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन और संयम का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही आह्वान किया है कि हम पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से मैं लोगों की बधाई स्वीकार करूंगा। मैं सभी लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपकी बधाई का मुझे अपेक्षा है। पर सभी लोग मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बधाई दें और ये मैं यथासंभव आपकी बधाई का उत्तर भी दूंगा। ये साल हम सबके लिए सुखमय रहे और कोरोना हिंदुस्तान में ना आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार इस विषय में लगातार काम कर रही है। कल हमने मॉक ड्रिल की, पूरे प्रदेश में हमने मॉक ड्रिल के माध्यम से हमारी अगली तैयारियों की पूरी समीक्षा की है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वर्चुअल तरीके से ही मुझे जन्मदिन की बधाई दें। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.